एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह आज ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे किचन में खाना बन रहा है। एक तरफ राइस बन गया है, एक तरफ सब्ज़ी मैंने गरम कर लिया है क्योंकि मोनोजीत का मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ और उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो सुबह तो मेरा ऐसे ही यही रूटीन ज़्यादातर टाइम रहता है क्योंकि उसका ऑफिस जब रहता है तो मैं यही रूटीन फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी पहले उसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ क्योंकि ये रेडी हो जाएगा तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगी तो लेट नहीं होगा। तो अभी मैं राइस को भी टिफ़िन बॉक्स में डाल देती हूँ और राइस और एक सब्ज़ी ये वो लेके जाएगा। तो यहाँ पे आज वेज सब्ज़ी है जैसे पनीर कड़ी है तो इसलिए मैं साथ में एक ऑमलेट बना रही हूँ, उसको साथ में एक ऑमलेट दे दूँगी क्योंकि वो मतलब कंप्लीट अगर वेज कुछ बना के देती हूँ ना तो वो बोलता है कि साथ में एक ऑमलेट दे देने के लिए, तो उसका मतलब अच्छे से खाना हो जाता है। तो इसीलिए राइस, ऑमलेट और पनीर कड़ी यही आज उसका लंच में जाएगा। अभी मैं कर रही हूँ अब हम लोगों की ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो एक तरफ मैंने चाय का पानी बिठा दिया है और एक तरफ मैं टोस्टर निकाल के ब्रेड टोस्ट करने के लिए रखी हूँ और साथ में दोनों दो पोच ले लेंगे, एग पोच, तो वही हम लोगों का आज का ब्रेकफास्ट होगा। तो ब्रेड ज़्यादातर अगर सुबह रहता है ना तो बहुत अच्छा हो जाता है, जल्दी से कुछ बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में। नहीं तो इस टाइम पे ब्रेकफास्ट में कुछ रोटी सब्ज़ी या कुछ ये सब बनाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर मैगी या फिर ब्रेड यही सब प्रेफर करती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए वीक डेज पे जब ऑफिस रहता है। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, एग पोच, ब्रेड टोस्ट और चाय। बाय बाय। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ पॉलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल जिंदगी। आज सुबह से एकदम बात नहीं हुआ, सुबह से मैं जस्ट वीडियो बना रही थी और जो भी मेरा सुबह का काम है वो किए जा रही थी, बात करने का मौका भी नहीं मिला। तो अभी मोनोजीत चला गया है ऑफिस, हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी हो गया है, लंच मेरा वैसे बनाने का है नहीं आज क्योंकि मैं तो ज़्यादातर रात को ही खाना बनाती हूँ ना, तो इसलिए मेरा मतलब लंच रह गया है। तो देखती हूँ अगर बनाऊँगी तो शेयर करूँगी आपके साथ। अभी तो मेरा किचन का काम भी करीब करीब ख़त्म ही है तो अभी सोच रही हूँ थोड़ा एडिटिंग वगैरह करूँगी, इस टाइम पे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो वही मैं करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। और बाहर तो फिर से बारिश चालू हो गया है, कल जैसे बारिश नहीं था आज फिर से बारिश चालू हो गया है, तो अच्छा दिन है, लेज़ी लेज़ी सा दिन है। और देखती हूँ अभी मैं जो भी करती हूँ पूरे दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं किचन में आके सबसे पहले फ्रिज से फ़िश निकाली हूँ और फ़िश को थोड़ा पानी डाल के रख दूँगी क्योंकि फ़िश ना डीप फ्रिज में था तो वो थोड़ा बर्फ़ छोड़ देगा, तो इसलिए थोड़ा पानी डाल के इसको रख दी हूँ। और उसके बाद सुबह का जितना भी बर्तन गंदा हुआ है, चाय का बर्तन और जो भी, वो सब मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। Thank you.
अभी मैं लंच के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जो भी सब्ज़ी वगैरह और प्याज लहसुन जो भी कट करना है वो सब पहले रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं हमेशा से ही पहले प्रिपरेशन करती हूँ और उसके बाद खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर रही हूँ। आज मैं फ़िश करी ना सीम जो सब्ज़ी आता है उसी को डाल के बनाऊँगी, तो इसके लिए वो सीम भी कट कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना ऐसे फ़िश करी खाना भी अच्छा लगता है। और उस तरफ मैंने आलू और प्याज काट के रखा है, ड्राई फिश के साथ एक सब्ज़ी बनाऊँगी। आज ना मैं दिन में ही खाना बना रही हूँ, जनरली मैं तो रात को बनाती हूँ। आज भी मेरा लंच बना हुआ है ऑलरेडी, पनीर की कड़ी जो बनाई थी वो है, लेकिन फिर भी मैं लंच बना रही हूँ। लंच मतलब क्या, खाना बना रही हूँ, लंच नहीं बोल सकते उसको, डिनर में भी लेंगे हम लोग, क्योंकि शाम को ना मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, कुछ काम आ गया है, तो इसलिए मैं अभी खाना बना रही हूँ। एक सब्ज़ी मेरा बन भी चुका है, तो छोटा जो प्रॉन्स आता है ना, एकदम छोटा छोटा उसका एक ड्राई फिश आता है ना, तो उसी के साथ आलू डाल के मैंने एक सब्ज़ी बनाया है। और अभी फ़िश करी करूँगी, तो जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएगा, आज बहुत सारा काम है मुझे। और ये देखिए वो ड्राई फिश आलू डाल के, जो सूखी सूखी वाला एक सूखा सूखा सब्ज़ी टाइप मैंने बनाया है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। जो लोग ड्राई फिश खाते हैं उन वो अगर बनाए तो बहुत मज़ा आएगा। तो फ़िश करी बनाने के लिए सबसे पहले मैं फ़िश में हल्दी नमक ये सब डाल के उसको पहले तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और उसके बाद उसका करी बनाऊँगी। फ़िश मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं इसका करी बनाती हूँ। तो चलिए आपके साथ इसका रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई पे तेल और थोड़ा डाल दिया, जब गर्म हो गया तो इसमें मैंने डाला थोड़ा सा कलौंजी। जब कलौंजी अच्छे से क्रैकल हो जाए तो इसमें डाल रही हूँ मैं कटे हुए प्याज। कलौंजी और प्याज एक साथ डाल के करी बनाने से ना उसका स्मेल बहुत अच्छा आता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैं ऐसे कभी कभी डाल के बनाती हूँ। तो अभी प्याज को हल्का सा भून लूँगी और जब प्याज अच्छे से भून जाए तो इसमें डाल दूँगी कटे हुए सब्ज़ी सीम, जो मैं आज सीम डाल के बना रही हूँ, इसलिए सीम मैंने डाल दिया। अभी इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी थोड़ा सा, ताकि सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार, हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने, थोड़ा सा जीरा पाउडर मैंने डाल दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा धनिया एकदम थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो उसके बाद इन सब को मिक्स करके अच्छे से मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। तो मैंने थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और अभी मसाला और सब्ज़ी को अच्छे से भून लूँगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसमें जितना भी मुझे करी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डाल दूँगी। तो ये थोड़ा पतला ग्रेवी बनेगा इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है। और अभी इसमें थोड़ा सा उबाल आने के लिए रखूँगी। जब इस करी में थोड़ा सा अच्छे से उबाल आ जाए तो इसमें फ्राई किया हुआ फ़िश डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लंबा लंबा काट के टमेटो और हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। और देखिए अभी ये ग्रेवी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो अभी इसमें मैं फ्राइड फिशेस डाल दूंगी और बस ढक के 5 मिनट रखूँगी तो ये फ़िश बन जाएगा। मतलब जब तक मेरा सब्ज़ी अच्छे से बॉयल हो जाए बस उतने तक ही इसको रखना है। तो अभी ढक देती हूँ और कुछ देर बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये फ़िश करी ना अभी ऐसे ही मैं ढक के 5 मिनट रखूँगी तो जो सब्ज़ी है वो अच्छे से बॉयल हो जाएगा और फ़िश अच्छे से इसमें बॉयल होके एक अच्छा सा मतलब इसका फ्लेवर छोड़ेगा फ़िश का, तो इसलिए ऐसे ही ढक के रख दिया, 5 मिनट में ये मेरा रेडी हो जाएगा। तो लंच बनाना मेरा हो गया है, अभी मैं बाकी ये सब साफ़ करके नहा लूँगी क्योंकि लेट हो जा रहा है, अभी नहाना भी है, फिर पूजा भी करना है, तो बाद में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, अभी ये सब काम ख़त्म कर लेती हूँ पहले। तो
अभी मैं नहा के आ गई हूँ और नहा के आने के बाद सबसे पहले मैं पूजा ही करती हूँ। तो अभी मैं भगवान जी को थोड़ा अगरबत्ती दिखा दूँगी और उसके बाद जो भी काम है वो करूँगी, लंच करना है तो वो भी करूँगी। भगवान जी का पूजा हो गया है तो अभी आ गई हूँ मैं, और आके पहले मैं थोड़ा अपना बाल वाल ठीक कर ले रही हूँ। तो पूजा करने के बाद ही मैं आके ये सब काम करती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँगी। और ये देखिए बाहर का वेदर, मतलब दिन में सुबह सुबह थोड़ा सा मतलब इतना बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन अभी देखिए मतलब इतना अंधेरा करके रखा है ना कि मतलब कितना सारा जो बारिश होगा। तो शावर ले लिया मैंने, शावर लेके आके पूजा भी कर लिया, तो करीब करीब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। अभी बैठ के थोड़ी देर टीवी देखूंगी और उसके बाद अपना लंच कर लूंगी। लंच करने के बाद मुझे आज बाहर जाना भी है, बोला था ना मैंने कि कुछ काम है तो इसलिए मुझे अर्जेंसी में बाहर भी जाना पड़ेगा। तो आज के ब्लॉग को मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूँगी फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाइफोकल जिंदगी।